Look at him. Does anything about that look normal to you? I got a plan. मूवी के स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है जहां पर रॉबी बर्डिट्स को नहाते हुए दिखाया जाता है। मस्त नहा रहा है, डांस कर रहा है, गाना गुनगुना रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लड़के आते हैं जो कि उसी के कॉलेज के हैं, उसका पंजाक बनाते हैं और शावर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन स्कूल के अवार्ड फंक्शन में जहाँ पर एथलीट्स केविन द गोल्डन चेट जॉइनर को उसके नेशनल हाई स्कूल का अवार्ड दिया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है, अगर मैं बच्चा पैदा करने लायक होता तो तुम्हारे जैसा मींस केल्विन जैसा बेटा पैदा करता। तभी केल्विन कहता है, अगर मेरी माँ का टाका आपसे बिगड़ा होता तो मैं भी आपके जैसा चिकना और स्मूथ होता। यहाँ पर हम देखते हैं केल्विन मैगी को प्रपोज भी करता है। तभी वहाँ पर वही शैतान लड़के रॉबी को लेकर आते हैं और विदाउट क्लॉथ्स उसे वहाँ पर सबके सामने फेंक देते हैं, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत हंसते हैं। लेकिन केल्विन और मैगी को अच्छा नहीं लगता, जिस पर केल्विन उसे अपनी जैकेट उतारकर दे देता है और रॉबी उसे थैंक्स कहकर के वहाँ से चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। 20 साल बाद हम देखते हैं केल्विन जो कि एक ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, जहाँ दिखाया जाता है उसका कोवर्कर ईथन का प्रमोशन हुआ है और उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए उसका दोस्त उसे बोलता है, लेकिन केल्विन उसे मना कर देता है यह कहकर कि उसे अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जाना है। ऑन डिनर हम देखते हैं केल्विन अपनी वाइफ के साथ वहां बैठा है जहां ईथन ने प्रमोशन की पार्टी दी है, जिसे देख केल्विन कहता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन था लेकिन अब तो हार्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। जहां उसकी वाइफ उसे हाई स्कूल के 20th रीयूनियन पर चलने का बोलती है, लेकिन केल्विन मना कर देता है। केल्विन एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज का टॉपर रह चुका था और वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। यहाँ मैगी और केल्विन के बीच में नोकझोंक होती है। नेक्स्ट सीट में हम देखते हैं केल्विन अपने सोशल अकाउंट देख रहा है, जहाँ पर वो देखता है कि उसे बॉब स्टोन कि एक रिक्वेस्ट आई है। तभी मैगी का कॉल आता है और वो साइकाइटिस्ट से मिलने का बोलती है, क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ बचाना चाहती है। वहीं उसे सोशल अकाउंट पर मैसेज आता है कि बॉब उससे मिलना चाहता है शाम को 6 बजे, जो कि वो रॉबी था कॉलेज स्टूडेंट उसके साथ का, जहां पर उसे तभी एक लिंक आता है जिसे वो ओपन करता है, जो कि टोटली वल्गर था, जिसे देख वो घबरा जाता है। तभी वहां पर ईथन आता है और उसे कहता है, सैलरी के हिसाब से काम किया कर। शाम को केल्विन रॉबी से मिलने जाता है, जिसे देख वो चौंक जाता है और कहता है, 300 किलो के सांड से ऐसी बॉडी कैसे बनाई। रॉबी कहता है, 20 साल 6 घंटे हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। तभी वहाँ कुछ बदमाश आते हैं और केल्विन के साथ में बदतमीजी करते हैं, और जहाँ पर चोकी रॉबी को यह सब पसंद नहीं आता, इस पर केल्विन बार बार चलने का बोलता है, लेकिन रॉबी उनको मारता है। केल्विन कहता है, किस चक्की का आटा खाते हो, ये सब कैसे सीखा, जिस पर उन दोनों के बीच में यहाँ पर फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद दोनों कावासाकी पर कॉलेज पहुँचती हैं, जहाँ अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रॉबी को वो सब मेमोराइज होता है और केल्विन को जैकेट के लिए वो थैंक्स कहता है। तभी उन्हें वहाँ पर ट्रॉफीज नजर आती हैं, जिन्हें देख केल्विन को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, जिस पर रॉबी मींस बॉब स्टोन उसे बहुत समझाता है और उसे एनकरेज करता है, और उसकी बातें सुन करके केल्विन झाड़ पर चढ़ जाता है और फ्लिप बैक करता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। इसके बाद रॉबी केल्विन से मींस दोस्तों रॉबी मींस बॉब स्टोन केल्विन से कहता है, सैलरी अकाउंट देखने की हेल्प मांगता है। तब केल्विन उसका अकाउंट देखता है, जहां पर केल्विन देखता है कि वहां कई देशों द्वारा मल्टी मिलियन डॉलर की बिडिंग लगाई जा रही है, जिस पर केल्विन बॉब से कुछ क्वेश्चन करता है। वो उससे बचने के लिए उसके लैपटॉप पर बियर बोतल गिरा देता है जानबूझ करके, और वो वहीं केल्विन के घर पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केल्विन के घर हम देखते हैं कि CIA के लोग आते हैं और बॉबी का पूछते हैं। केल्विन कहता है, यस वो मेरे घर पर ही है। तब CIA एजेंट्स अंदर जाते हैं तो वो वहां पर नहीं होता। तभी CIA के एजेंट्स के द्वारा केल्विन को पता चलता है कि बॉबी खून और चोरी के लिए वांटेड है। उसके पास देश की बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और उसे बॉबी के नए नाम एजेंट
स्टोन का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि हर जगह इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए बॉबी ने केल्विन का ही कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। इवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिस रेफरेंस में सिर्फ केल्विन ही मेंशन किया है। ये सुन केल्विन हैरान हो जाता है, जिस पर केल्विन कहता है वो उसे नहीं जानता, ये सिर्फ फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। CIA बताती है कि वो एक डेंजर मेंटल पेशेंट है और CIA एजेंट केल्विन को अपने साथ लेकर के उसी के ऑफिस पहुंचती है। तभी हम देखते हैं वहां पर बॉब स्टोन का कॉल आता है जिसे CIA एजेंट भी उसकी कॉल सुनती है। बॉब कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है जो कि वहीं सीढ़ियों पर उसका वेट कर रहा है। ये सब देख केल्विन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागकर अपने केबिन में पहुंचता है, जहां बॉबी को देख वो शॉक्ड हो जाता है और अब वो डर रहा है। यहां बॉब उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं, जहां केल्विन कहता है मैं बिल्कुल नहीं, उसे साफ मना कर देता है। इट्स फनी सीन गाइज, यहाँ पर वो केल्विन को अपना साथ देने की बात कहता है। इतना सुन वो बाहर आकर चिल्लाने लगता है, तब बॉबी बाहर आकर उसे अपने साथ लेकर के फायरिंग करता है और साथ चलने का बोलता है। तभी वहाँ पर CIA के एजेंट्स आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में फाइट्स होती है। उस दौरान केल्विन के हाथ में एक गन लग जाती है और बॉबी उसके हाथ से गन लेकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन CIA एजेंट्स उसे खेल लेते हैं। तभी वो गन केल्विन के सर पर छोड़ देता है। इट्स फनी सीन और इसके बाद वो केल्विन को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है और कैब पे बैठ करके चला जाता है जो उसने 6 मिनट पहले बुक किया था। रास्ते में बॉब उसे बताता है कि उसे उसके सुपर सीक्रेट अकाउंटिंग स्किल्स की जरूरत है और जो मीटिंग जीतेगा उसकी कड़ी से हमें पता चलेगा कि डील कहाँ हो रही है और हम इस तरह से ब्लैक बेजर तक पहुँच सकते हैं जो कि विदाउट यू पॉसिबल नहीं। इसके बाद वो एक जगह जाकर के रुकते हैं। इसके बाद केल्विन उसे घर जाने का बोलता है और कहता है CIA ने बताया तुमने कोड चोरी किए हैं। बॉब कहता है हैरिस वो तो मुझे मेरे पार्टनर के मर्डर के इल्जाम में फंसाना चाहती है। केल्विन कहता है यू किल्ड योर पार्टनर। बॉब कहता है नो ब्लैक बेजर्स ने किया है और उसे एक्सप्लेन करता है, जहां से मूवी फ्लैशबैक में जाती है कि ब्लैक बेजर सैटेलाइट कोड चुरा कर गायब हो गया था, लेकिन मैंने और मेरे पार्टनर फिल ने पता लगा लिया उसका, लेकिन ब्लैक बेजर ने उसे ट्रैप में फंसा करके मार दिया। वापस से मूवी प्रेजेंट में आती है, हम शुरुआत से ही ट्रैप में थे। केल्विन कहता है प्लीज मुझे जाने दो। बॉब कहता है आई नो, लेकिन CIA ने तुम्हारे घर को घेर रखा होगा, अब वो सेफ नहीं है। तभी वहां पर बाइक पर एक बंदा आता है और जो कि गन शूट करता है और जिसे बॉब गिरा देता है, जो कि लैरी था। तभी हम देखते हैं कि केल्विन उस लैरी की बाइक को लेकर वहां से भाग जाता है और मैकी को कॉल कर क्लिनिक में मिलने को बोलता है। और हम देखते हैं कि रास्ते में ही CIA एजेंट्स अपनी गाड़ी से केल्विन को अपने साथ ले जाते हैं, जहां केल्विन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो कहता है कि उसके तोते उड़े हैं, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिस पर हैरिस बताती है कि बॉब अपना दिमागी संतुलन खो रहा है और वो एक ब्लैक बेजर है और फिर उसका पार्टनर था लास्ट 6 ईयर से वो दोनों काम कर रहे हैं। जैसे ही वो कोड बॉब के हाथ लगा उसने फिल को मार डाला। केल्विन कहता है वो खुद ही वो कोड क्यों नहीं बेच देता, जिस पर हैरिस कहती है जो कि सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर से ही कर सकता है और वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता है और हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है उसको अरेस्ट करने पर। और वो केल्विन को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो बॉब को पकड़ लेंगे और उसे वहां से जाने का बोलती है। वहीं मैगी साइकेट्रिस्ट के पास बैठी हुई है, जहां केल्विन पहुंचता है तो वो डॉक्टर डेन को देखता है जो कि बॉब था। उसे देख वो शॉक्ड हो जाता है और सोफे से बैठे से खड़ा हो जाता है, जहां मैगी उसे समझाकर बैठने का बोलती है। इसके बाद बॉब मैगी बनकर के केल्विन से कुछ क्वेश्चन करता है, जो कि बॉब को केल्विन थप्पड़ मार देता है, जहां बॉब कहता है तुमने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा। मैगी कहती है वाइफ नहीं, हम दोनों को मारा। इट्स फनी सीन दोस्तों। तब केल्विन के बिहेव को देख मैगी वहां से चली जाती है। तब केल्विन कहता है कि असली डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर डैन किधर है। तब बॉब एक कवर्ड खोल करके दिखाता है, जहां डॉक्टर डैन को बॉब ने बांध करके रखा था और वो कहता है शुशु आए तो बताना। जिसके बाद केल्विन वो डिवाइस निकालता है और कहता है क्या तुम्हारे पास वो कोड है। बॉब कहता है नहीं यार, आई नीड योर हेल्प, जिससे कि हम वेजर को पकड़ सकते हैं।
सब कुछ आज रात ख़त्म हो जाएगा, बिलीव मी। और इस तरह वो उसे मना लेता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बाल्टीमोर पहुंचते हैं और वहां पर केल्विन कहता है कि हमको बस सिर्फ विदेशी अकाउंट नंबर देना है और नो प्रॉब्लम। बॉब कहता है कौन है वो मिस्ट्री बंदा, जिस पर केल्विन कहता है ट्रेवर, जो कि वही बंदा था जिसने बॉब का मजाक बनाया। इसके बाद वो दोनों ट्रेवर के रूम में मींस केबिन में पहुंचते हैं, जहां पर ट्रेवर कहता है चलो बात करते हैं उस गधे की जो आज घोड़ा बन चुका है, कल जो बछड़ा था आज सांड बन गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बॉब, और उसकी बातें सुन बॉब को गुस्सा आता है। तब ट्रेवर बॉब से उस मजाक के लिए माफी मांगता है। बॉब उसकी बातें सुन शॉकिंग है। ट्रेवर जो कि एक साइंटोलॉजिस्ट है, और हम देखते हैं कि सडनली ट्रेवर का बिहेवियर चेंज होता है और कहता है कि आज भी मुझे अफसोस है उस दिन का, मैंने तुम्हारे पिछवाड़े पर 3 लात क्यों नहीं मारी। लोग आज भी मुझे मेल करके पूछते हैं कि तुमने उसे 3 लात क्यों नहीं मारी, जिस पर केल्विन कहता है चुप रहो वरना अब तुमको लात पड़ने वाली है। ट्रेवर कहता है कौन ये, एक मक्खी नहीं उड़ा सकता अपनी नाक से जिसके भेजे में भूसा भरा है, जो कि पैदाइशी भोंदूता। तभी बॉब खुद को ग्लास में देखता है और बॉब वहां से उदास होकर की चला जाता है, और ट्रेवर केल्विन को वो ट्रांजेक्शन नंबर देता। तब केल्विन भी ट्रेवर के केबिन से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन को हैरिस का कॉल आता है कि वो मैगी को अरेस्ट करने वाले हैं। अगर केल्विन ने बॉब को पकड़वाने के लिए उनको सपोर्ट नहीं किया, मींस उसे ब्लैकमेल करते हैं मैगी का नाम लेकर। इसके बाद वो बॉब से मिलता है और उसे सॉरी कहता है कि उसने हैरिस को बता दिया कि हम कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर CIA एजेंट्स आते हैं और बॉब को अरेस्ट करके साथ ले जाते हैं। सुपर सीन है। इसके बाद बॉब से हैरी कोर्ट का पूछती है, जहां केल्विन भी मौजूद होता है, जो ये देख हैरान है कि बॉब को टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। CIA एजेंट को डिस्ट्रैक्ट कर इंटरोगेट रूम में पहुंचता है बॉब के पास, और बॉब को छुड़ाकर वहां से बाहर लेकर जाता है और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बोलता है। इसके बाद वो दोनों और CIA एजेंट्स के बीच में फाइट होती है, जहां केल्विन उसके पीछे रहता है क्योंकि वो कहता है तुम पहाड़ हो और वो चूहा। इसके बाद वो बाहर निकलते हैं और CIA की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, जो कि ब्लड प्रूफ थी, जहां रास्ते में वो एक बिड बायर का भी पता लगाते हैं जो कि बोस्टन में होने वाला है। इसके बाद वो एक प्लेन चुराते हैं गोल्डन जेट, जो कि केल्विन सुपर फनी सीन है गार्ड के पास जाकर के वो किस तरह से गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है, और उस दौरान बॉब जेट को बाहर निकाल कर ले जाता है। वो दोनों ऑन द वे हैं। केल्विन कहता है हैरिस भी एक ब्लैक बेजर हो सकती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जेट का पेट्रोल खत्म हो चुका है, जो कि जस्ट फॉर फन बॉब ने किया था, और वो दोनों बोस्टन पहुंचते हैं और उन दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, जो कि फनी नोकझोंक थी। इसके बाद बॉब केल्विन को छोड़कर पार्किंग गैरेज पहुंचता है और उसे एक फोन देकर जाता है, कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल करना, जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं। तभी केल्विन देखता है कि हैरिस भी वहां पहुंचती है और वो बॉब को बताने के लिए कॉल लगाता है, जो कि वो किसी सिक्योरिटी गार्ड का नंबर था। तब केल्विन खुद उसको बताने वहां भाग करके जाता है, लेकिन बॉब उसे शूट कर देता है। तभी फिल वहां आ जाता है, जिसे देख बॉब हैरान रह जाता है। वहीं बाहर केल्विन को होश आता है और वो चुपके से देखता है, जहां फिल और बॉब दोनों खुद को ब्लैक बेजर कहते हैं। तभी हैरिस वहां आ जाती है और उन पर शूट करना स्टार्ट कर देती है। उसी दौरान केल्विन वो कोट पेनड्राइव उठा लेता है। तभी बदमाश गाड़ी लेकर के उसे पीछे मारने भागता है, लेकिन बॉब उसे बचा लेता है, लेकिन वो बॉब से भी दूर बाहर चला जाता है। लेकिन तभी बॉब और फिल उसे वापस से खेल लेते हैं और केल्विन को अपना अपना फेवर लेने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर शूट करते हैं, और उन दोनों के बीच की फाइट है, जहां केल्विन एक गन उठाकर बॉब को शूट कर देता है, जहां फिल उसे बताता है कि बॉब ब्लैक बेजर कभी नहीं हो सकता, और डिटेल में बताता है कि किस तरह उसने बॉब को फंसाया। और उसकी बातें सुन केल्विन वापस से फ्लिप बैक मारता है, लेकिन वो गिर जाता है, जिस पर फिल कहता है ये 2 टके की फ्लिप क्यों मारी। केल्विन कहता है तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बॉब उठकर फिल को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं बातें करते हुए, और हैरिस को कोड देकर वापस
रीयूनियन ज्वाइन करने का बोलते हैं और दोनों जाकर के हैरिस को कोड देते हैं, जहां पर हैरिस कैल्विन को CIA ज्वाइन करने का ऑफर देती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मैगी आती है, जहां डॉक्टर डेंट मींस बॉब को देख वो हैरान है, जहां बॉब उसे सब कुछ डिटेल में बताता है, जिसके बाद मैगी कैल्विन एक दूसरे को किस करते हैं और हाई स्कूल का 20th रीयूनियन ज्वाइन करते हैं। तब बॉब वहां से सबको देखकर जाना चाहता है, क्योंकि उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जहां उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन कैल्विन उसे रोक लेता है। तभी वहां हाई स्कूल 1996 किंग बॉब स्टोन अनाउंस किया जाता है, जिसे सुन वो हैरान हो जाता है। तभी वहां पर ट्रेवर आता है और उसका मजाक बनाता है, जिस पर बॉब उसे पंच मारकर गिरा देता है और स्पीच देता है कि वो वही 20 साल पुराना रॉबी विडिच है और कैल्विन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है, उसको एप्रिशिएट करता है और अपने सारे कपड़े उतारकर कैल्विन से मिलता है और कहता है, आज 20 साल पुराना बोझ हल्का हो गया। तभी डाला वहां आती है, जिसे बॉबी पसंद करता था, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और म्यूजिक ऑन होता है जो कि बॉब का फेवरेट सॉन्ग बज रहा था। सब डांस करते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं मूवी में मैगी, जो कि अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है, और बॉबी कैल्विन के घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि आज कैल्विन का CIA के लिए इंटरव्यू है। तब बॉब उसे उसका पुराना गोल्डन जैकेट वापस देता है, जिसे देख कैल्विन बहुत खुश होता है और वो दोनों वहां से इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।